नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के क्रम में टनकपुर क्षेत्र से 3 किलोग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ एंटी पैस एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। चंपा जिला मुख्यालय के जूब वार्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाली का निर्माण कराए बगैर डामरीकरण कराने का लोगों ने शुरू किया विरोध। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था की ओर से बिना नाली बनाए ही डामरीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पानी सड़क के ऊपर आ रहा है। तो वहीं लोगों ने शीघ्र निर्माण कार्य शुरू न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सोमवार को विकासखंड चंपावत में ग्राम पंचायत गढ़कोट के पास प्राथमिक विद्यालय डाबरी में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, साथ ही सभी समस्याओं को निस्तारित करने के लिए अधिकारी को दिए निर्देश। कोतवाली चंपावत क्षेत्र के अंतर्गत डीजे संचालकों के साथ की गई मीटिंग। उक्त मीटिंग के माध्यम से सभी डीजे संचालकों को शादी समारोह तथा अन्य अवसरों पर निर्धारित समयावधि तथा निर्धारित आवाज में ही डीजे बजाने के दिए निर्देश। पुलिस महानिरीक्षक विमला गुंजाल ने किया पुलिस दूरसंचार विभाग चंपावत के कार्यों का निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने खराब एमडीटी ठीक कराने, सीसीटीवी में एमएमसी समय से लगाने, संचार विक्रमशाला में रखे बैटरियों को रोटेशन के हिसाब से प्रयोग में लाए जाने व सीलन से बचाए जाने तथा कार्यालय के बाहर खाली भूमि पर फूल व फलदार वृक्ष लगाए जाने के संबंध में दिए निर्देश। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।